हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपना खुद का व्यापार चालू करे और वह किसी की नौकरी नहीं करे। ऐसा ही एक सपना विदिशा के रहने वाले वीर सिंह ने भी देखा था कि उनका अपना सैलून हो, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण उन्हें नौकरी करनी पड़ रही थी। उन्होंने कई सालों तक दूसरे के सैलून में काम किया, लेकिन अपना सैलून खोलने का सपना नहीं छोड़ा। शायद उनका यह सपना अधूरा ही रह जाता अगर इसमें मध्य प्रदेश सरकार से मिलने वाली मदद नहीं मिलती। यह सपना शिवराज सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्व सहायता समूह से लोन लेने के बाद पूरा हुआ। मैंने पहले दूसरे की दुकान पर काम किया है, वहाँ पर काम सीखने के बाद मैंने एक किराए की गुमटी ली और टूटी सी एक कुर्सी थी मेरे पास, वो मैंने छोटे से माच लेके दो चार कैंची कंघे लेके काम चालू किया। फिर मेरा काम बढ़ा थोड़ा सा, फिर मेरे भैया ने भी मुझे सपोर्ट किया, उनके साथ मैंने काम किया। फिर एक भैया है दीपक वाजपेयी जी, उन्होंने बोला कि आप लोन ले लो। फिर मैंने खुद की गुमटी बनवाई, 50,000 रुपये का लोन लेके, फिर मैंने धीरे धीरे दो चार साल में उनका लोन चुका दिया सरकार का। इसके बाद मैंने अपने ये दुकान खरीदी, इसको बनवाया, 1,80,000 रुपये डबल से दिया, तब पूरा क्लियर करा, डबल से इनको अच्छे तरीके से बना लिया। पहले मैं अकेला काम करता था, आज मेरे पास 3 लोग और काम करते हैं, मैं उनको दूसरों को काम दे रहा हूँ। वीर सेन ने पहले स्व सहायता समूह से 50,000 रुपये का लोन लेकर छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू किया। इस लोन को चुकाने के बाद इसी योजना के तहत 1,80,000 रुपए का लोन लिया और अपना खुद का सैलून होने का सपना पूरा किया। उसके द्वारा जो लोन मिला था मुझे, उससे मैंने ये दुकान खोली। और एक बार नहीं, मुझे दो बार लोन मिल चुका है। एक बार 50,000 रुपये लोन मिला था, तो मैंने उसको चुकता किया, फिर डबल से मुझे लोन मिला 1,80,000 रुपये। मैं मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना चलाई गई है, उनसे मैं ये दुकान खोल पाया और बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा मैंने अकेले ने लोन नहीं लिया, कई लोगों ने लोन लिया, कई प्रकार की योजनाएँ चलती हैं जो गरीबों को मिलता है लोन, और उससे बहुत गरीब आदमी थोड़ा आगे उठ रहा है, नहीं तो बहुत स्थिति खराब थी। मुझे लोन मिला, उससे बहुत आगे बढ़ गए। मैं अकेला नहीं, कई लोगों ने लोन लिया और कई लोगों को आगे बढ़ाया। वीर सेन कहते हैं कि पहले मैं दूसरों की दुकान पर काम करता था, लेकिन अब सैलून पर 2 लोग काम करते हैं। यह सब शिवराज सरकार की जनकल्याणकारी और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की जा रही पहल की वजह से संभव हो सका है। यदि सरकार मदद नहीं करती तो वह आज नौकरी ही करते रहते।